आप सभी स्टूडेंट का सरस्वती लर्निंग सेंटर में स्वागत है। और अपन सभी ने अभी एक पाठ समाप्त किया है आनुवंशिकी जेनेटिक्स। उसमें हमने आनुवंशिकता की परिभाषा, आनुवंशिकी जो विज्ञान की एक शाखा है, मेंडल का परिचय और उसके बाद में मेंडल के जो है ना वो सफलता के कारण है, उसके बाद में मेंडल ने किन विपर्यासी लक्षणों का चयन किया, उसके बाद में मेंडल के नियमों की पुनर्खोज, फिर मेंडल का प्रथम और द्वितीय तृतीय नियम इनके बारे में पढ़ा, फिर आनुवंशिकता की हमारे जीवन में उपयोगिता, उसके बारे में हमने ये पाठ खत्म किया। आज अपन एक नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं जो 11 पाठ है, कार्य ऊर्जा और शक्ति, इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कार्य की यदि अपन अपने दैनिक जीवन में कार्य की बात करें तो पढ़ना है, लिखना है, खेलना है या अन्य कोई काम करना है, जो घरेलू काम जो भी होते हैं। लेकिन विज्ञान की एक शाखा है भौतिक विज्ञान फिजिक्स, वो इनको कार्य को नहीं मानती। वो यह मानती है कि यदि किसी वस्तु में बल लगाने पर यदि विस्थापन उत्पन्न होता है तो वह कार्य की श्रेणी में आता है। और जो फिजिक्स है वो यह कहती है कि यदि किसी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसमें उत्पन्न जो विस्थापन है उसके गुणनफल की जो मात्रा है वह किए गए कार्य के बराबर होती है। तो अपन इसको कार्य किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, किसी किसी वस्तु पर लगने वाला बल एवं उसमें उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, तो कार्य को लिखने के लिए अपन करते हैं W बराबर F डॉट S। यहां पर F बराबर बल कहलाता है और S बराबर विस्थापन को प्रदर्शित करता है। S जो है वह विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार ये जो है ये कार्य का सूत्र होता है, इसको अपन F क्रॉस या F गुणा S के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ये अब यदि मान लीजिए कि बल और विस्थापन की दिशा में कोई कोण बन रहा है, कोण कैसे बनेगा? जैसे अपन बचपन में कई प्रकार के खिलौनों से खेलते थे, मान लीजिए यह एक खिलौना गाड़ी है और इसके यहाँ पर ये इसके चक्के लगे हुए हैं, ये इसके यहाँ पर चक्के लगे हुए हैं, यहाँ पर इसके एक हुक है और हुक के एक डोरा बंधा हुआ है और बच्चा उस गाड़ी को खींच रहा है। ये हुक के एक डोरा बंधा हुआ है और एक बच्चा है, ये यहाँ पर कोई बच्चा बालक है, ये बालक इस गाड़ी से खेल रहा है और अपने हाथ के द्वारा इस गाड़ी की रस्सी को खींच रहा है। इस प्रकार दोनों हाथों से इसने रस्सी को पकड़ी हुई है और ये रस्सी को क्या कर रहा है, खींच रहा है, इस प्रकार खींच रहा है। तो देखिए ये बच्चा जो है इस गाड़ी को खींचने के लिए बल लगा रहा है और बल जो है वो इस दिशा में लगता है, ये इस दिशा में गाड़ी को खींच रहा है। विस्थापन की दिशा इस साइड में है, ये विस्थापन की जो दिशा है ये इस साइड में है, ये है विस्थापन, गाड़ी के खींचे जाने की स्थिति या गाड़ी के खींच जाने की दिशा, और ये जो दिशा है ये बल की दिशा है, ये F घटक है, ये S घटक है। तो इन दोनों के बीच में एक कोण का निर्माण होता है जिसे बोलेंगे FS cos थीटा। तो यहाँ पर जो एक कोण बनता है, थीटा बनता है, वो बनता है cos थीटा, बल और विस्थापन के बीच में कोण जो बनता है वह FS cos थीटा है। यदि इस प्रकार का बल लगता है
तो फिर अपन कार्य को इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन जो है वो कॉस थीटा के रूप में बदल जाता है, एफ एस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा और गुणा हो जाएगा अपने इस प्रकार की विस्थापन। इसको अपन ऐसे करेंगे W बराबर एफ एस कॉस थीटा, ये एफ एस कॉस थीटा का मान प्रश्न में पेपर में दे रखा होता है, उसके अनुसार अपन मान रखकर इसको गुणा कर दिया जाता है। चूंकि अपन जानते हैं कि जो बल है, बल एक सदिश राशि है, वो हम कक्षा 9th में पढ़ चुके हैं, बल और विस्थापन दोनों जो है वो सदिश राशियां होती हैं। थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेते हैं, कक्षा 9th का जो पाठ पढ़ा था हमने, उस 9th के पाठ के अंदर हमने बल और गति पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले पाठ के पहले पन्ने पर लिखा हुआ था सदिश राशि और अदिश राशि, तो ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ में दिशा की भी आवश्यकता होती है, ऐसी राशियां जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है उसे सदिश राशियां कहा जाता है। और सदिश राशियों में आता है बल है, विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, ये जो राशियां हैं इनको प्रदर्शित करने के लिए विस्थापन तो होता ही है साथ में दिशा भी दी होती है, तो ये सदिश राशियां कहलाती है। उसी प्रकार इसके उलट जो है ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, तो उसे अदिश राशियां कहा जाता है। और अदिश राशि में जो राशियां आती है वो होती है चाल है, द्रव्यमान है, घनत्व है, ऊर्जा है, ठीक है, आयतन है, इनको व्यक्त करने के लिए किसी प्रकार की जो है वो दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो अपन देखते हैं यहाँ पर जो बल है वो बल एक सदिश राशि है, सदिश राशि को वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है, तो बल भी सदिश राशि है और यहाँ पर विस्थापन भी सदिश राशि है, तो यहाँ पर इसको अपन प्रदर्शित करेंगे एफ एस कॉस थीटा के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, तो यहाँ पर W बराबर एफ डॉट एस, एस एफ वेक्टर, एस वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, परीक्षा में इसमें ऐसे सूत्र के ऊपर के सवाल बनता ही है, तो इसका अपने को ये सूत्र याद रखना है। अब इस सूत्र के द्वारा ही पहली में पहला बिंदु में हमने परिभाषा याद कर ली, दूसरे बिंदु में हमने सूत्र निकाल लिया, परिभाषा अपने को रटने की आवश्यकता नहीं है, इस सूत्र से ही अपन परिभाषा बना सकते हैं। अपन कहेंगे किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है, ये तीन अक्षर परिभाषा को प्रदर्शित करते हैं, किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल तथा उसके उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहा जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया अपने सूत्र। अब है मात्रक, नंबर 3 में जो निकल कर आता है वो होता है मात्रक। मात्रक जो होता है वो किसी चीज के एक तरह से कह सकते हैं कि अपने आप में चीज को एक विशिष्ट तरीके से प्रदर्शित करते हैं, जैसे समय का मात्रक सेकंड होता है, दूरी का मात्रक मीटर होता है, आयतन का मात्रक लीटर होता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर कार्य का जो मात्रक बनता है वो इस सूत्र से निकाल सकते हैं, अपने कोई अलग ढंग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि कार्य, तो कार्य को अपन कहेंगे वर्क, ये जो कार्य है वो कार्य किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, इसको अपन बल के मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित किया जाता है। हालांकि इसका मात्रक जो न्यूटन होता है वो वास्तव में न्यूटन तो उसके रेस्पेक्ट में रखा गया है, वास्तव में केजी मीटर सेकंड माइनस 2, ये इसका पूरा मात्रक। उसके बाद में जो विस्थापन का मात्रक होता है वो विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। अब इसका जो कार्य का पूरा मात्रक निकल कर आता है वो पूरा मात्रक निकल कर आता है केजी मीटर का स्क्वायर और सेकंड माइनस 2, ये इसका मात्रक। अब सबसे पहले कार्य की जो अवधारणा है, एक वैज्ञानिक हुए हैं जूल, तो जूल ने दी, इसलिए उनके सम्मान में कार्य का जो मात्रक है उसको जूल भी कहा जाता है, JOUL जूल, लेकिन इसको अपन प्रदर्शित कैसे करते हैं, कैपिटल J से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और कार्य का एक और छोटा मात्रक होता है जिसको अर्घ भी कहा जाता है, तो कार्य को एक अन्य मात्रक जो छोटा मात्रक है उसको अर्घ के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन
जो एस आई मात्रक है वो उसका जूल होता है, तो इस प्रकार कार्य का मात्र हो गया। अब हम कहेंगे नंबर चार में राशि, राशि तो कार्य एक अदिश राशि होती है। कार्य कैसी राशि है? कार्य अदिश राशि। तो इस प्रकार ये हमने कार्य के उदाहरण प्रदर्शित कर दिए। अब कार्य जो है वो धनात्मक भी हो सकता है, कार्य ऋणात्मक भी हो सकता है। कार्य ऋणात्मक कैसे होगा? यदि विस्थापन की दिशा में ही बल लगता है, जिस दिशा में विस्थापन हो रहा है उसी दिशा में यदि बल लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, लेकिन विस्थापन की उल्टी दिशा में बल लगता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चल रही है और गाड़ी की जिस दिशा में गाड़ी जा रही है, अपन उसको गाड़ी को ब्रेक लगा करके रोकते हैं तो जो ब्रेक लगते हैं वो गाड़ी की गति में जो है वृद्धि नहीं कर रहे हैं, वो गाड़ी को क्या करते हैं, रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए जब गति की विपरीत दिशा में बल लगा जाता है तो किया गया कार्य ऋणात्मक गिना जाता है, ऋणात्मक माना जाता है। तो उसी प्रकार अपने बुक में भी दे रखा है कि यदि कार्य वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगता है, बल विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या गया ऋणात्मक कहा जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्य की अवधारणा थी। अब आप इसको एक बार उतार लीजिए, फिर अपन एक सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व आया हुआ है।